उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल कचौड़ी, और वो भी बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम समय में ये कचौड़ी रेडी हो जाती है। और इसको आप आलू की सब्जी के साथ, चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के लिए साथ आप बना सकते हैं। और ये देखिए सारी कचौड़ियाँ ऐसे आपकी फूली फूली बनेगी। और इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। चलिए वीडियो बनाती हूँ और देखें क्या क्या हमने इस्तेमाल किया है, और आप भी बनाइएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, उड़द दाल कचौड़ी बनाने के लिए खस्ता मैंने यहाँ मैदा लिया है, 300 ग्राम मैदा है। ये मेरी पिट्ठी बनी हुई है उड़द दाल की, वाइट उड़द दाल जो होती है धुली हुई। और ये पिट्ठी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ अलग से। और ये मेरी बनी हुई है, कुछ और भी बनाया था तो मैंने ज़्यादा बना ली थी तो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वही मसाले डले हुए हैं, सौंफ है, हींग है, धनिया है, पाउडर, जीरा, हींग, सब कुछ मिर्च मसाले अपने हिसाब से डालने हैं। सौंफ मेन होती है और हींग मेन होती है। चलिए आगे देर ना करते हुए हम इसमें 300 ग्राम 50 ग्राम के करीब हम ये शामिल कर देंगे, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। बहुत से लोग फीकी भी कचौड़ी बनाते हैं, लेकिन फीकी कम पसंद आती है, नमक हल्का सा डालने तो बहुत अच्छी बात। उसके अलावा हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें अजवाइन, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, बस इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है इसमें। बोयन चेक कर लेते हैं, मुट्ठी बांध कर हमारी मुट्ठी बन गई है, इसका मतलब हमारा बोयन ठीक है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घोटते हैं। 1 किलो में 200-250 ग्राम बोयन इसमें डलता है, 250-300 ग्राम में 40-50 ग्राम डल जाता है। इससे कम डालेंगे तो आपकी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी, ये परफेक्ट रेशियो है इसकी। और पानी भी बहुत ही कम लगता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें 100 ग्राम, इससे ज्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा। ये आटा हमारा रेडी है, थोड़ी देर इसे हम ढक के रख देते हैं। अब चलिए पिट्ठी को थोड़ा खस्ता कचौड़ी के हिसाब से बनाते हैं। ये मैंने आटे की कचौड़ी के लिए बनाई थी, खस्ता कचौड़ी में थोड़ा सा चेंज है। यह थोड़ा हम घी डाल देंगे, थोड़ा जीरा, हींग, थोड़ा बेसन। बेसन को हम भून लेंगे, थोड़ी सौंफ, थोड़ा कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च, बाकी मसाले हमारी दाल में भी हैं तो इतना ही हमें डालना है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बेसन के लायक थोड़ा सा नमक। दाल में अलग से मसाले पड़े हुए हैं, इसमें अलग से डाल देंगे बस। तो अब इसको अच्छे से भून लेंगे, जैसे जैसे भूनने लगेगा घी इसमें से अलग होने लगता है। कभी कचौड़ियों में बेसन भूने तो दाल अलग भूने, बेसन अलग भूने। और अगर साबुत मसाले इस्तेमाल करते हैं तो साबुत मसाले अलग भूने। अब हम दाल और मसालों को इकट्ठा कर देंगे और गैस को बंद कर देते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। एक खस्ता दाल की कचौड़ी का मसाला रेडी है। अभी आटा हमारा रेडी है, और थोड़ा एक बार और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। सॉफ्ट ना भी करेंगे तो भी ठीक है। ये देखिए पूरी जैसा आटा होता है, और ये मसाला भी हमारा, हम या तो आपको अंदाज़ा नहीं है तो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, और नहीं तो हमें तो अंदाजा है तो हम साइड से लेते रहते हैं और भरते रहते हैं। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, हल्की भारी जिस साइज़ के आपको बनाने हैं सब पेड़े बना लेते हैं। ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फैला लेना है, इसमें हाथ से ही करें तो बहुत अच्छी बनेगी कचौड़ी। और किनारे पतले रखिएगा, बीच में से मोटा रखिएगा,
हम थोड़ी सी एक चम्मच 50 से स्टफिंग कर देंगे और साइड से हम उठाते हुए कचौरी की वीडियो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो बस इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है और इसी तरीके से बस ऐसे करके और इसको उल्टी साइड से ऐसे रख लेंगे प्लेट में, इस तरीके से रखते जाना है। मैं सारी स्टफ कर लेती हूँ, सारी कचौरियाँ मेरी रेडी हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा फैला करके इस तरीके से हाथ से कर फैला लेंगे। बस अगर बेलन से आप करें तो बहुत हल्के हाथ से फैलानी है, बेलन से भी मैं आपको बता दूंगी, बेलन से करनी है तो बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको बस इतना फैलाना है, इस तरीके से दो बेलन मारनी है और आपकी कचौरी रेडी है। इस तरीके से सब बेल के रेडी, सारी कचौरियाँ मेरी रेडी हैं। अब हम दो तेल गरम करने रखा है मैंने, तो फ्राई करेंगे और पकने के लिए रख दिया। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, 1 किलो में ये, अगर हैवी इतनी कचौड़ी बनाते हैं तो 60 और के आसपास बनेगी, अगर थोड़ा सा हल्की करते हैं तो आपकी 64-65 कचौड़ी रेडी हो जाती है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक सिक जाए। जितनी कचौड़ी मैक्सिमम आए उतनी आप डाल दीजिए, इसमें जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। बस अब थोड़ा सा ये ऊपर आनी शुरू हो जाती है और कलर देखिए वाइट वाइट आना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद इसको पलट दीजिए। अब पलट दिया है मैंने, देखिए फिर जितनी सिकती जाएगी ये ऊपर आनी शुरू हो जाती है। बस बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए, ये मीडियम फ्लेम पर हमें सेकनी है, गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करते हुए इनको सेकते रहेंगे। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप बताते रहा कीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी पसंद आई, कौन सी रेसिपी आपको नेक्स्ट चाहिए और फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और एक बात और, जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइबर, वो बेल के साथ जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। अब कलर आना शुरू हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज कर सकते हैं ताकि इसका कलर और अच्छा आ जाए। वैसे अच्छे से सीख चुकी है लेकिन हमें थोड़ा सा कलर और डार्क करना है। देखिए अभी हल्का कलर है, एक दो बातों का ध्यान रखना है, आपकी कचौड़ी परफेक्ट बनेगी, किसी भी तरह से खराब नहीं होगी। अब हमें ये बाहर निकाल लेते हैं, एक अच्छा सा कलर आ गया और दूसरा बैच फ्राई कर। फ्रेंड्स बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करते जरूर जाइएगा। त्योहारों पर बना कर रख लीजिए, मीठे के साथ साथ नमकीन भी जायका बदलता है मुँह का। आलू सब्जी से खाइए, चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, किसी भी चीज़ से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कचौरी भी हमारी सिक गई है।